कम हो गया, दोनों के ग्लेशियर सारे पिघल रहे हैं, और जिस तेज़ी से ये जो मौसम में चेंजिंग आ रही है उस तरह से देखें, इस जगह पे सारी राफ्टिंग्स वगैरह आगे देखते हैं हो रही होती है। लेकिन ये देखें पानी की, पहले जब हम आए थे जब ये बकरा था, हालांकि दो तीन महीने पहले की बात है, तो काफ़ी ज़्यादा पानी था, और अभी देखें बिल्कुल पानी बहुत ज़्यादा कम हो गया है। रीज़न आपको पता है, क्योंकि ग्लेशियर जिस तरह से पिघल रहे हैं और जिस तरह से पानी में कमी हो रही है, तो लेट्स सी आगे क्या होता है। लेकिन फिलहाल मैंने कहा थोड़ा सा व्यू बहुत अच्छा है, आपको वो भी दिखाऊँ साथ में इन्फॉर्मेशन भी दूँगी। देखें इस जगह पानी की कमी है, और जो नॉर्मल पीछे से आ रहा है वही आ रहा है, तो आगे चलते हैं आपको और दिखाते हैं। दोस्तों बटाकुंडी पहुंच चुके हैं जैसा कि आप देख रहे हैं, और क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा है तो इसलिए हमने यही सोचा कि यहाँ नहीं स्टे किया जाए, और बजाय स्टे करने के आगे जाते हैं और कोशिश करते हैं कि जगलोट तक पहुंच के वहीं स्टे करें। तो अभी साथ चलते हैं आगे, आप बटाकुंडी देखिए।
राजस्थान बहुत मशहूर है, बहुत फेमस है। और इसके अलावा जो है यहाँ पे और भी आईटेक्स वगैरह रूम्स वगैरह मिल जाते हैं, इससे आगे नहीं आपको कोई मिलेगा। अगर आप रुकना चाहें, स्टे करना चाहें, तो ये भी एक लास्ट जगह है। इसके बाद क्योंकि लूनेसर लेक है, वहाँ पर कोई स्टे का ऐसा कुछ है नहीं। और लूनेसर लेक से आगे जो है फिर बापू सर टॉप के लिए, तो वहाँ भी कुछ नहीं। तो यहाँ पर आप अगर स्टे करना चाहें तो यहाँ रुक सकते हैं। और ये मून रेस्टोरेंट जो कि आपको पूरे नहरान में नज़र आएगा, तो अगर आप इधर खाना खाना चाहें, टेस्ट अच्छा है, बहुत ज़्यादा अच्छा है। दोस्तों फाइनली लूनेसर लेक पहुँच गए, और ये आप देख रहे हैं जी पानी इधर का भी कम नहीं है, काफ़ी कम। कटोरा टाइप की है, आपको दिखाते हैं मुड़ते हुए।